आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। आस्था मानव कल्याण कार्यों को समर्पित संस्था द्वारा भगवान शिव पार्वती के विवाह पर्व महाशिवरात्रि पर आयोजित 25 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन रविवार 10 मार्च 2024 दोपहर 12 बजे से रामघाट रोड स्थित लॉज में हुआ, जिसके संस्थापक मुख्य संयोजक हिमांशु गर्ग, सह संयोजक पवन खंडेलवाल, अध्यक्ष सुशील टाइगर, सह संयोजक राकेश गर्ग द्वारा इसको पूरे विधि विधान से संपन्न कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर प्रशांत सिंघल तथा मुख्य यजमान राजीव अग्रवाल रेमंड और विशिष्ट अतिथि अनमोल रत्न कोणार्क पाइप उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर सांसद सतीश गौतम ने किया। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि गणों में शहर विधायक श्रीमती मुक्ता राजा, कोल विधायक अनिल पाराशर, कार्यक्रम अध्यक्ष श्री प्रमेश कुमार नयर, नयर एंटरप्राइजेस MNC श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह, विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश व समस्त आस्था परिवार की गरिमा में उपस्थिति रही। अलीगढ़ से संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। हम सब हृदय की गहराइयों से आपके आगमन का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इसी क्रम में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, श्री अनिल पाराशर जी को हमारे संस्था के पवन खंडेलवाल जी, श्री अनिल संस्था के संस्थापक हूँ। 1997 में मैं पहली बार 1996 में अमरनाथ जी गया था, वहाँ के सेवा भाव को देख करके मुझे लगा कि इस प्रकार की एक संस्था अलीगढ़ में प्रारंभ होनी चाहिए। 1997 में कांवड़िया महाशिवरों के कांवड़िया विश्व भक्तों के लिए यहाँ पे उनकी सेवा के लिए पहली बार कैंप लगाया। उस प्रयास को निरंतर लोगों का सहयोग इसने मिलता रहा और आज 27 वर्ष इस संस्था को संचालित होते हुए हो गए हैं। ये संस्था सर कहाँ कहाँ पर कार्य कर रही है? महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, क्योंकि ये वाली शिवरात्रि माँ पार्वती और भगवान शिव भोलेनाथ के विवाह की शिवरात्रि होती है, तो इसमें जो शिव भक्त कांवड़िया बाराती रूप में आते हैं उनका स्वागत हम उसी प्रकार से करते हैं जैसे अपने घरों में विवाह कार्यक्रम में हम तमाम प्रकार के स्टॉल, टिक्की, चाउमीन, पाव भाजी, ढोकला, पड़ाके, मॉकटेल काउंटर, फ्रूट काउंटर, आइसक्रीम, ढोकला इत्यादि इत्यादि व्यंजनों से हम जैसे अपने परिवारों में विवाह कार्यक्रम करते हैं, ऐसे ही आस्था परिवार उन शिव भक्तों का, उन शिव बारातियों का उनका स्वागत करता है। उनके रुकने के लिए सोने के लिए बिस्तर, उनके आने जाने के लिए कोई वाहन अगर उनको चाहिए तो वो वाहन, उनके नहाने धोने के लिए पक्के लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट्स और सभी प्रकार के व्यंजनों के साथ उनके आनंद के लिए दोनों दिन भजन संध्या रहती है हर शाम भोले के नाम, जिससे कि उनका थकान थोड़ी सी दूर हो सके और वो आगे की यात्रा को सुगम कर सकें। इसी के साथ में उनके लिए एक विशाल मेडिकल कैंप आस्था मेडिकल कैंप के नाम से रहता है, जिसके अंदर 8-8 घंटे की ड्यूटी पे डॉक्टर्स अनवरत 48 घंटे तक रहते हैं, एम्बुलेंस रहती है और एक्यूपंचर थेरेपी की पूरी व्यवस्था उनके लिए, जिसके अंदर 2-3 मिनट ही मशीन पर रह करके उनको जो है पूरी थकान उनकी जो मिट जाती है 50 किलोमीटर चलने की, ऐसी व्यवस्था हर वर्ष 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में शिव भक्त कांवड़ियों के लिए आस्था परिवार करता है। संस्था के 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद 2019 में 22वें वर्ष में प्रवेश कर उसके बाद में हमने ये गरीब कन्या विवाह का संकल्प इसके अंदर जोड़ा है। 2019 से ये कार्यक्रम छठा कार्यक्रम लगातार हो रहा है, जिसके अंदर अब तक 151 जोड़ों का विवाह आज सहित आस्था संस्था विगत 6 वर्षों में करा चुकी है। और इसके अंदर एक माँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ बड़े हर्ष और गर्व के साथ कि ये एकमात्र संस्था है आस्था जो सरकार के संग मिल करके इस विषय पर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के साथ मिलकर के इस विषय पर काम करती है। कोई दूसरा NGO ऐसा आज तक नहीं है जो सरकार के संग इस विषय पर मिलकर के काम करता हो। सरकार की धनराशि 51,000 रुपये की प्रत्येक जोड़े को दिलाने के साथ साथ उनकी गृहस्थी का संपूर्ण सामान जैसे कि बेड, गद्दा, डबल बेड का कंबल, चादर, तकिया और 4 कुर्सी और 1 मेज, सिलाई मशीन, साइकिल, मिक्सी, पंखा और आपका डिनर सेट 51 बर्तनों का, एक नांद, बाथरूम सेट इत्यादि इत्यादि सब प्रकार का सामान जो उनको प्रारंभिक गृहस्थी के लिए उपयोग में आ सकता है, ऐसा सब प्रकार का सामान देने का काम आशा परिवार उन नव युगलों के लिए करता है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है कि उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनका जीवन बहुत सफल, सुखद एवं आनंदमय हो, ये आशा परिवार उन सब छोरों के लिए कामना करता है। मेरा नाम प्रवीण टाइगर है, मैं संस्था का मेंबर्स हूँ और हमारे साथ पिछले 27 साल से हम जुड़े हुए हैं और ये संस्था इतना बढ़िया काम करती है, मेरे ख्याल से इस टाइप की कोई भी संस्था अलीगढ़ ज़िले में नहीं होगी जो इतना बड़ा काम कैंप का आयोजित करती है। अलीगढ़ ज़िले में इतना बड़ा कैंप
जैसे शादी ब्याह में शादी होती है ऐसे भोलेनाथ का कैंप लगता है। जितने भी हमारे कावड़ती होते हैं उनको खाने पीना अच्छे से अच्छी व्यवस्था होती है, जिसमें मतलब जैसे आपने देखा शादियों में बहुत बड़े कैंप लगते हैं ऐसे हमारे ये लगते हैं, जिसमें गरीब कन्याओं की शादी का भी हमने प्रस्ताव किया 4-5 साल से चल रहा है हमारा, जिसमें पहले 11 कन्याओं की शादी थी फिर 25 की हुई और 25 की पिछले 5 साल से ये संस्था काम कर रही है। और ये संस्था जो चलती है वो डोनेशन से चलती है, कोई भी संस्था एक्सपाइज है, और इसमें डोनर हमारे बहुत अच्छे हैं जिसमें अध्यक्ष सुशील टाइगर जी, हिमांशु गर्ग जी का बहुत बड़ा योगदान है, वो संस्थापक अध्यक्ष हैं इसके, पवन खंडेलवाल जी, विनीत भारद्वाज जी जो हमारे बराबर खड़े हैं, इनका भी हमेशा पिछले 5 साल से योगदान रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन सब डोनरों का जो इस संस्था को सहयोग करते हैं। मेरा नाम विनीत भारद्वाज है और आस्था संस्था से मैं विगत 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे अपने मानना यह है कि जो कन्या विवाह है हमारे देश में, कन्याओं का जो कन्यादान लेने का है, उससे बड़ा कोई दान नहीं है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और ख़ास करके जिस एज ग्रुप में अब हम वहाँ गए हैं, तो हमारे लिए यही है कि हम समाज के साथ जुड़कर क्या उत्थान के लिए काम कर सकते हैं नारी शक्ति के लिए, वही मेरा मानना है। उसमें जो सहयोग हमारा बन पाता है, बाकी सब सदस्यों का बन पाता है, बाकी समाज का सभी का सहयोग अच्छा मिलता है। और इसमें हम आगे जाएंगे, आगे आने वाले समय में और भी अच्छा तरीके से इसको संगठित करके कार्य किया जाए। मुख्य अतिथि हमारे यहाँ भैया बताएंगे, लक्ष्मी नारायण जी थे, अपने यहाँ के विधायक भी थे और उसमें अपने MLC साहब भी थे। सर क्या नाम है आपका और किस तरह का कार्यक्रम आज आपकी आस्था संस्था के द्वारा किया जाएगा? मेरा नाम पवन खंडेलवाल है, मैं आस्था इस जो हमारी संस्था है इसमें जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी वर्षों से। विगत वर्षों में हमने एक प्रण लिया था कि हमने जो शिवरात्रि पर हम जो शिविर लगाते हैं इसके संग कुछ अनूठा कार्य भी करने का प्रण लिया था। माननीय मोदी जी हमें हमेशा नारी शक्ति के लिए प्रेरणा मिलती रही है, तो इस दिशा में हमने 2019 से एक गरीब कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम आरंभ किया, ये हमारा 5वां वर्ष है। और इस वर्ष भी हमने 25 कन्याओं का विवाह का एक कार्यक्रम रखा था जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी हमें बहुत सहायता मिलती है, गरीब कन्याओं को 51,000 रुपये की उनकी तरफ धनराशि प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा संस्था के माध्यम से जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं वो लोग अपना सहयोग इस संस्था को देते हैं और संस्था के माध्यम से उन गरीब कन्याओं को देते हैं। आपको जैसा मालूम है कि कन्याओं का, जैसे भैया ने बताया था अभी, कि कन्याओं का दान, जो कन्याओं को एक कन्यादान किया जाता है उससे बड़ा दान मेरे ख्याल से कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम लोग है ना इसी दिशा में काम करते हुए जो समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, वो आके आज के दिन कन्यादान लेते हैं, विभिन्न सामान देते हैं उनको, गृहस्थी का सामान देते हैं और इस तरीके से उनके सफल जीवन की कामना करते हैं। आज यहाँ पर संस्था के द्वारा 25 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, उनको उनकी गृहस्थी के सामान के साथ मुख्यमंत्री सहायता राशि भी दी गई है। और आज के इस कार्यक्रम में सभी गणमान्य अतिथि मौजूद थे, मैं जैसे कहूँगा हमारे प्रभारी मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण जी वो मौजूद थे इसमें, हमारे विधायक मुक्ता राजा जी वो मौजूद थी, कुल विधायक अनिल पारसर जी वो मौजूद थे।